गौतम गंभीर ने जब केकेआर को साल 2024 में ज्वाइन किया था, तब शाहरुख खान का एक स्टेटमेंट आया था कि मैं चाहता हूं कि अगले 10 साल तक गौतम गंभीर ही हमारे मेंटोर रहे। गौतम गंभीर तब से जब से आया तब से केकेआर जीती है। गंभीर ने ये करके दिखाया जो वे टीम 2022 और 23 में नहीं कर पाई थी। वे टीम 7 पोजिशन पर थी और वे टीम अब सबसे नंबर 1 टीम बनकर उभर कर सामने आई है। पहली बार केकेआर ने आईपीएल में टॉप किया, टॉप में फिनिश किया, एक तरफा मुकाबले खेले, आईपीएल की ट्रॉफी जीती, लेकिन अब गंभीर और केकेआर का रिश्ता पुरानी बात हो गया है। अगर आप केकेआर के फैन हैं तो ये खबर आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि गौतम गंभीर ने केकेआर को अलविदा कह दिया। गौतम गंभीर ने फेयरवेल पार्टी अटेंड करी ईडन गार्डन में और ये उनका आखिरी मोमेंट था। आप निराश मत होइए, गौतम गंभीर दरअसल टीम इंडिया के कोच बनने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि टीम इंडिया के लिए लगभग उनका नाम पक्का हो गया। सिर्फ जिम्बाब्वे टूर तक के लिए वीवीएस लक्ष्मण को जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मण के बाद ये जिम्मेदारी जो है वे गौतम गंभीर के पास चली जाएगी और गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के कोच बनेंगे। हालांकि गंभीर के आने से पहले ही अगले कप्तान के नाम की फाइनलिस्ट हो गई है। रोहित शर्मा की अगुवाई में 2025 तक टीम इंडिया खेलेगी वनडे और टेस्ट क्रिकेट, ये तय कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गंभीर ने केकेआर से अलविदा कह दिया और केकेआर के फैंस जो थोड़े हैं वे थोड़े से दुख को लेकर है, इस बात को लेकर भावुक है कि केकेआर ने गौतम गंभीर को अलविदा कर दिया, गौतम गंभीर ने केकेआर को अलविदा कर दिया। इंडियन फैंस जो है वे खुश है कि गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनने वाले, केकेआर के फैंस थोड़े से दुखी है। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के हेड कोच बनने की रेस में सबसे आगे है, ये माना जाना लगभग तय है कि गौतम गंभीर इंडिया टीम के हेड कोच बनेंगे, सिर्फ अनाउंसमेंट होनी बाकी है और उस समय ही खबर आती है कि गौतम गंभीर ने केकेआर को अलविदा कर दिया है। ये कहानी गौतम गंभीर के लिए थोड़ी सी दुख भरी है, गौतम गंभीर के फैंस के लिए थोड़ी दुख भरी है, लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजी में केकेआर का गौतम गंभीर के साथ इतना ही रास्ता था। गौतम गंभीर कैन बी अ लकी चार्म, वेडनीरा के लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग वाली बात जैसी गौतम गंभीर केकेआर में ज्वाइन हुए वैसे ही जो इंडिया की टीम है वे विजेता रही। और रोहित शर्मा के रिश्ते जो है वे आईपीएल में भी हमने देखे थे कि गौतम गंभीर के साथ अच्छे हैं। रोहित शर्मा की गौतम गंभीर आए दिन तारीफ करते रहते थे। रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली के साथ भी उनके साल पर साल रिश्ते अच्छे होते रहते हैं और काफी बेहतर बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। उधर बीसीसीआई के सचिव जय शान है सोमवार को ये बताया कि इंडिया टीम को न्यू हेड कोच मिलेंगे जो श्रीलंका के साथ शुरू होने वाली सीरीज में इंडिया के साथ रहेंगे। इंडिया और श्रीलंका के 3 T20 मैचेस, 3 वनडे खेलेंगे। फिलहाल इंडिया जो है वे जिम्बाब्वे टूर पर है और लक्ष्मण यहाँ पर हेड है। राहुल द्रविड़ का कार्यक्रम समाप्त हो गया। राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट ले ली। राहुल द्रविड़ ने थैंक यू कर दिया। अब कहानी जो है वे गंभीर की शुरू होगी। गंभीर की कहानी दो चीजों पर है, एक आर पार की कहानी है जहां पर टीम इंडिया के कुछ लोगों से उनके इश्यूज हो सकते हैं, दूसरी कहानी है कि हो सकता है कि यहां से नई बॉन्डिंग हमें नजर आए और साथ मिलकर इंडिया एक अनबीटेबल टीम बनकर नजर आए। लेट जस्ट होप कि गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, अश्विन और तमाम खिलाड़ी मिलकर इंडिया को एक ऐसी दिलवार वाली टीम बना दे जिसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। हालांकि इंडिया की गंभीर कहानी का आगाज हो चुका है, अब हो सकता है कि इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर जल्दी हमें निकल कर सामने आएंगे। वहीं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज का कल दूसरा दिन था जिसने इंडिया ने 100 रनों से जिम्बाब्वे को हरा दिया। वहीं अब आज का मुकाबला, आज का तीसरा दिन देखना होगा कि तीसरे दिन क्या होता है। वहीं आज यशस्वी जायसवाल की भी इंडिया में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो बार्बाडोस का टूर था वे खत्म हो गया। उसके बाद वो घर जाने के बाद आज जिम्बाब्वे की सीरीज में एंट्री करेंगे। अब देखना होगा कि थर्ड डे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का कैसा रहता है। आपको क्या लगता है कि आज का टूर्नामेंट कैसा होगा और आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर इंडिया के नए हेड कोच बनकर हमें कैसे दिखने को मिलेंगे? क्या इंडिया की एक बेहतर इनपेटेबल टीम हमें नजर आएगी या नहीं आएगी? इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।